हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है रक्षाबंधन पर हिंदी निबंध। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। भारत देश में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं जिनमें रक्षाबंधन का त्यौहार प्रमुख है। रक्षाबंधन का त्यौहार हिंदू धर्म के लोगों का एक मुख्य त्यौहार है जो पूरे भारत में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्यौहार सावन के महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। रक्षाबंधन को राखी का त्यौहार भी कहते हैं। इस दिन बहन अपने भाई के राखी बांधती है। यह त्यौहार भाई बहन का सबसे अनोखा व पवित्र त्यौहार है। राखी का त्यौहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। यह त्यौहार भाई बहन के लिए बहुत ही खास होता है। रक्षाबंधन के त्यौहार के कुछ दिन पहले से ही बाजार में रौनक बढ़ जाती है। बाजार में रंग बिरंगी राखियाँ दिखाई देती हैं और मिठाइयों की दुकानें भी सज जाती हैं। इस दिन लोग नए नए कपड़े पहनते हैं। राखी के दिन बहनें सुबह तैयार होकर पूजा की थाल सजाती हैं, जिसमें रोली, कुमकुम, चावल, अक्षत, राखी, नारियल और मिठाई रखी जाती हैं। बहनें अपने भाई के तिलक लगाकर दाहिने हाथ पर राखी बांधकर मिठाई खिलाती हैं। बहनें अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं और भाई भी अपनी बहन को उसकी रक्षा करने का वचन देता है। भाई अपनी बहन को उपहार भी देता है जिनमें चॉकलेट, कपड़े आदि होते हैं। यह त्यौहार पूरा परिवार एक साथ मिलकर मनाता है। इस दिन घर में खुशी का माहौल बना रहता है। इस दिन सभी के घरों में अनेक प्रकार के स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं। सभी एक दूसरे का मुंह मीठा करते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार सभी लोग बहुत खुशी और उत्साह के साथ मनाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।